इतने सारे गीत कलेक्शन बना ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोगों का ख्याल रखना ये तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन एक थोड़ा सा है कहना कि जो लेशन मैं बार बार कहता हूँ कि जो बेसिक लेशन मैंने 12 लेशन दिया, और मैं ये भी कहा था ये बार कि दुनिया के किसी भी गीत में आप तबला प्ले कर सकते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे गीत आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद दो ही बात है, या तो मैं वो लेशन सही से नहीं दे पाया, या फिर आप लोग पीछे का बेसिक लेशन जाके देखने गए हैं। तो दो बात है, तो जो भी हो मेरा रिक्वेस्ट फाइनली ये है कि आप पीछे का लेशन जरूर देखें। बेसिक लेशन 12 मैंने दिया है और वो हर एक फेमस रिदम मैंने उसमें दिया है, जो 90% गीत, चाहे जो भी गीत हो, फिल्मी सॉन्ग हो नॉन फिल्मी सॉन्ग हो, उसमें आप प्ले कर सकते हैं। जो बेसिक ठेका तो निकल ही सकता है, बाद में रह गया कि अलग अलग गीत का कुछ अलग पकड़ बन जाता है, कुछ अलग वेरिएशन अलग आ जाता है, वो अलग मामला है, लेकिन बेसिक ठेका तो निकल ही सकता है। अभी आप देखेंगे कि तीन लगातार गीत जो मेरे नज़र में अभी है, तो भी बहुत सारे आप लोगों ने जो भेजा है डिमांड पर, सभी गीत के ऊपर मेरा ध्यान है और मैं समय निकाल के करूँगा। तीन गीत जो मैं अभी आज मॉर्निंग में देखा, तो मुझे लगा कि ये तीनों का तो मैं ऑलरेडी बेसिक लेशन में दिया हुआ उठेगा, भले ही गीत बता के नहीं दिया, तो आप लोग को लगता है कि शायद गीत के साथ, मुझे लग रहा है ऐसा कि गीत के साथ अगर बताता हूँ तो वो जायदे इजीली समझ पाते हैं। वो तीन गीत है, दीपक भट्ट साहब अभी जो गीत आया तेरे दर पे दीवाना, इसके लिए बहुत लाजवाब गीत है, रिदमिक सॉन्ग है, जबकि इसका भी जो बेसिक ठेका है वो ठेका का लेशन मैंने बेसिक लेशन में दे रखा है। सेम यही ठेका, यही बेसिक लेशन, यही बेसिक ठेका के लिए एक और सॉन्ग का फरमाइश है, सुने होंगे भजन, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, सचिदानंद जी हैं उनका ये फरमाइश है, उसमें भी बेसिक ठेका यही है। मैंने बार बार कहा कि टेम्पो समझ जाइए, रिदम तो जल्दी ये भी समझ जाइएगा। योगेश जी हैं उनका भी कमाल का एक गीत है, जिसमें भी यही ठेका प्रयोग हुआ है, बीच में भले ही थोड़ा सा पकड़ अलग है, अब हम तो भय परदेसी की तेरा यहाँ कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ ठीक है, मैंने लेशन दिया है इस चीज़ का, लेकिन हर एक गीत में कुछ कुछ चीज़ है जिसको समझ पाना बहुत हितकर रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा, उपयोगी रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक ठेका एक बार और देख लीजिए कि बेसिक ठेका क्या है, बाद में कुछ कुछ पकड़ वेरिएशन कुछ कुछ टाइम के लिए आता है, उस बेसिक ठेका को बढ़िया से निकाल लें। तो कहरवा का 50% से प्लस गीतों में यही ठेका बजा है, जो रिदमिक सॉन्ग है, कवाली हो या जो भी हो, देख लीजिए बेसिक ठेका क्या है, एक बार और सॉन्ग सुन लीजिए। ये ठेका है, इसमें नए नए लोग प्रयोग करते हैं, बहुत सारा गीत में जितना फेमस गीत आप खोजिएगा रिदमिक सॉन्ग मैक्सिमम में ये बजाए। बोल इसका देख लीजिए, घे दित्ता घे दित्ता, एकदम शॉर्ट छोटा सा बोल है, लेकिन बजा है बहुत ज्यादा गीतों में, और इसमें नया नया थोड़ा सा पकड़ बाएं दाएं का करके लोग नया नया वेरिएशन बना लेता है, तो फिर बाकी लोग को लगता है कि कुछ नया है। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए, बोले घे तित्ता गे भित्ता घे, यहाँ घे के बाद यहाँ ती मारे या यहाँ ती मारे दोनों चलता है, घे तित्ता ता में ये दोनों ले, घे तित्ता गे भित्ता घे तित्ता गे तित्ता गे तित्ता घे तित्ता गे तित्ता। गे जो है घे तित्ता के बाद जो गे है उसको एकदम मामूली मारना है, सिर्फ सपोर्ट लेना है, ये
सच्चिदानंद जी या बाकी लोग भी देख लीजिए, ये छोटा सा पकड़ है जिसको किसी भी गीत में यूज कर सकते हैं। जैसे इस गीत में कवि राम बन के कवि श्याम बन के गीत में जो बजा है, तो चले आना प्रभु जी चले आना, सेकेंड आना का जो आ है वहां से लेना है, कैसे था, चले आना प्रभु जी चले आना। पहले ये टुकड़ा है क्या, इसको देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है किसी भी गीत में, बहुत सारे गीत में प्रयोग होता है। जैसे आया तेरे दर पे दीवाना में भी त्रिकीट नहीं लिया गया, लेकिन उठान जो है तीन धा के साथ ही लिया, आया तेरे दर पर दा दा दा। तो इसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इसको देख लीजिए क्या है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के में, चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये बताया हुआ है कई बार, चले आना प्रभु जी चले आना, इसको स्लाइड करके ले सकते हैं, चले आना प्रभु जी चले आना, स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक चीज कमाल का था, मुझे लगा कि नहीं ये सभी लोगों के पास जाना चाहिए। अब इसी रिदम को जैसा कि गीत फरमाइश किए हैं कि तेरा यहाँ कोई नहीं, उसको देख लीजिए कि कैसे, उसमें एक छोटा सा पकड़ है, उस तीनों गीत को साथ में समझिए और ये समझ जाइए कि तीनों का टेम्पो एक ही है, तीनों का देसी ठेका एक ही है, और इस सिर्फ इसी गीत में नहीं बहुत सारे गीतों में ये बजा है, इसलिए इसको देख लीजिए कि छेका में आप बना लीजिएगा, गौर से रिदम को सुनिएगा तो थोड़ा बहुत चेंजिंग महसूस करिएगा, तो चेंजिंग आप ला सकते हैं। जैसे कभी राम बन के कभी श्याम बन के में क्या किया गया है, स्टार्टिंग में आप देखिएगा कुछ कुछ वेरिएशन अलग से लगाया है, जैसे इसी में एक वेरिएशन है छोटा सा, जैसे अभी बोल है इसका घे तिक्का घे तिक्का घे तिक्का घे तिक्का, उसमें क्या किया है घे तिक्का घे तिक्का घे तिक्का घे तिक्का घे तिक्का घे घे, सेकंड टाइम में घे घे कर दिया, जैसे म्यूजिक है उसका, सेकंड टाइम में घे कर दिया। जब उस म्यूजिक की बात चली है कभी राम बन के कभी श्याम बन के में, तो दो रिदम और उसका सीख लीजिए, बहुत काम देने वाला है, वो भी बताया हुआ है लेकिन फिर से देख लीजिए। इसमें म्यूजिक जब स्टार्ट हो, म्यूजिक के टाइम में ही है, खास चीज है, ये एक अलग चीज है, और ये दोनों चीज देखने के बाद एक पकड़ और परदेश, मैं तो भैया परदेश की तेरा यहाँ कोई नहीं उसका देख लीजिए, उनको लगता है तीनों गीत मिला के आप लोग बजा लीजिएगा, और एक जो आया तेरे दर पे दीवाना का, ये क्रिकेट देख लीजिए, तीन चीज बढ़िया से देख लीजिए, और मुझे लगता है तीनों गीत आप अच्छा से बजा पाइएगा। सिर्फ ये तीन गीत नहीं, काफी गीत में ये छेका प्रयोग हुआ है, और ये सब टुकड़ा पकड़ वेरिएशन कई कई गीतों में आप लगा सकते हैं। तो ये एक देख लीजिए, बहुत सारे गीत में आप सुनते होइएगा भजन वगैरह में खास करके बहुत बजता है, तो ये क्या है, ये है आती धमा, धाती धा करताधी धाती, बोल निकला धाती धा करताधी धाती, बजाना कैसे एक से धाती, यहां मारिए धा को यहां ताधी पे धाती,
यहां मानिएगा इस ऑनली जाति था ठीक है जाति था करता जाति था करता ती करता भी है जाति था कर जाति था को में यहां लेकिन क रो जाति था करता जी जाति था करता जी जाति था करता जी अब लास्ट में धाति जोड़ दिया जाति था कहां कहां डगा लगाना है धाति पहला धा में लग गया अब फिर जब आएगा धा अब फिर कौर की यहां कर कर उसके बाद ता आ ये उठा धी अब फिर धा धी ऐसे बजाने से ऐसा साउंड आना चाहिए थोड़ा रफ्तार में देखिए यही मेन है ये तो हो ही जाएगा ये धाति को निकाल लेना है धाति धा कर ता उसके बाद धाति धा कर ता ती धाति धाति धा कर ता ती धाति ला ला धाति धा कर ता ती धाति धाति धा आगे रखिएगा सेकंड आपको धाति लास्ट के धाति को दबाना है शुरू के धा को ओपन रखना है तो ऐसा साउंड आएगा तो ये हो गया ये वेरिएशन ऐड कर सकते हैं किसी भी गीत में दूसरा इसी म्यूजिक के अंदर एक और है जो कहरवा का कव्वाली स्टाइल ठेका में दिया हुआ हूं थोड़ा सा देख लीजिए और दिक्कत हो ये निकालने में तो कमेंट जरूर करिए लिंक भेज दूंगा उस लिंक के सारे देख लीजिएगा यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए बोल पहले देख लीजिए क्या है बोल है धेती ताता तेधी धाता कव्वाली स्टाइल ठेका मैंने दिया है सेम वही चीज है तो इसको बहुत इन डिटेल करने का जरूरत नहीं थोड़ा सा देख लीजिए आप खोज के देखिए आप कव्वाली स्टाइल का हरवा मिल जाएगा आपको धाती ताता धाती सेकंड ता में यहां मारना है धा यहां ये धा कह लीजिए या धे कह लीजिए यहां मारिए या यहां मारिए साउंड एक ही है सेकेंड पार्ट ए बी धा ता धेती धा ता धेती धा ता ये कंटिन्यू वैसा चलते रहना चाहिए एड कर दीजिएगा हो जाएगा आ जाएगा परदेशी हम तो है परदेश में एक टुकड़ा लिया गया है उसको देख लीजिए और तिरकिट वाला आया तेरे दर पे दो चीज देख लीजिए मुझे लगता है ये रिदम आप सभी लोगों को काम में आएगा फिर भी कोई कमी लगे तो ओपनली मैं बाय हार्ट कह रहा हूँ कमेंट करिए मैं कोशिश करूंगा उस चीज पे काम करने का ये है बहुत बजता है खास करके मेहंदी की रस्म वगैरह में जो महिलाएं लोग ढोलक बजाती है उसमें भी ये रिदम बहुत काम करता है ज्यादातर यही रिदम में ही सॉन्ग होता ही है इसलिए इस रिदम को बढ़िया से करिए थोड़ा शेयर कर दीजिए बाकी लोग तक भी पहुंचे
इतना ही कंटिन्यू। आया तेरे दर पे दीवाना में क्रिकेट लिया गया है, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा कुछ नहीं है। कहते थे एक गीत का फरमाइश आया था, छोटी छोटी रातें दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता किसी को, यही क्रिकेट। वो कमाल का सिर्फ इस गीत के लिए नहीं कि आया तेरे दर पे भी चल रहा है तो यही चलेगा, ऐसा नहीं। एक बार और देख लीजिए कि थोड़ा रहने देख लीजिए, ऐसे लीजिएगा फिर से लास्ट में था। तो वही चीज है, ती 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 ती। अब इससे शुरू किया, इसको कंटिन्यू रखिए, उम्मीद है कि मैंने अपने तरफ से कोशिश किया हूं कि हर एक चीज आप लोग को मिल जाए। फिर भी कुछ अगर बच गया है तो बता दीजिएगा। बाकी अच्छे अच्छे चीज़ों का फरमाइश आ रहा है, कुछ गजल का फरमाइश है, कुछ ठुमरी में क्या बजा है वो फरमाइश है, नए सॉन्ग का भी फरमाइश है। सभी पे थोड़ा सा और शेयर वगैरह करें, कमेंट तो जरूर करें। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का कमेंट जब आता है तो मुझे एहसास होता है कि नहीं आप लोग हमारे साथ हैं। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।